आज तो हम इतने दिनों बाद, मतलब काफी महीनों बाद जूस पीने आया गन्ने का, रेनी सीजन जाने के बाद, है ना काकू? लगा इतने दिनों बाद जूस पी के मस्त लगा ना, मेरे को भी बढ़िया लगा। मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू नेक्स्ट थ्री व्लॉग्स। मैं इस बच्चे को लेके आ गया हूँ स्कूल से उठा के। डोंट कॉल माई होम स्कूल। गुड मॉर्निंग गाइस। तो काकू जस्ट अभी मेरे को लेके आया है, एंड घर पे आने से पहले मैंने आपको दिखाया ना हमने जूस पिया, और इतने टाइम बाद मेरे को बहुत ज्यादा अच्छा लगा। और सुबह सुबह मौसी का कॉल मैसेज आया था कि आज मौसा जी भी आ रहे हैं, उनको यहाँ पे कुछ काम है। तो उन्होंने है ना सिर्फ बनते, मतलब उन्होंने बनते हुए नहीं देखा शायद स्टूडियो, या देखा था नहीं देखा वीडियोस में, ब्लॉग में जितना दिखाया था उतना देखा। तो वो स्टूडियो देखने के लिए आ रहे हैं, उनको यहीं पे ही नियर बाय हमारे कुछ काम था, वो दूसरे स्टेट से आ रहे हैं। ठीक है, तो खाने में अभी पता नहीं क्या बनाए, और मेरे को अभी बैठ के वीडियो एडिटिंग का काम करना है, और काकू पता नहीं क्या करेगा। मैं नहाने जाऊंगा, बाल बाल धोऊंगा, बाल सेट करूंगा, सूखला इंसान। तो चलो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद। यहाँ नीचे तो ना काम चल रहा था सफाई का, तो हम ऊपर स्टूडियो में आ गए बैठने के लिए, और यहाँ पे मैं अपनी वीडियो एडिटिंग का काम कर रही हूँ, काकू वहाँ नहाने के लिए गया, और यहाँ पे मैं स्नैक लाइट भी खा रही हूँ टेस्टी टेस्टी। तो चलो एक बार थोड़ा सा काम कर लेते हैं, क्योंकि फिर मौसा जी भी आने वाले हैं, तो वहाँ पे भी थोड़ा टाइम लग जाएगा हमें, एंड मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद। 2-3 घंटे हो गए फोटोज वीडियोज इन सारी चीजों को एडिट करने में, और सर ना इतना ज्यादा भारी हो गया है क्योंकि सुबह से कुछ खाया भी नहीं। मैं सोची थी कि काकू के साथ खाऊंगी, और फिर काकू नहाने गया था, उसके बाद उसने मेरे को खाना तो ला के दे दिया था बहुत देर पहले ही, लेकिन फिर मैंने सोचा कोई नहीं काकू के भी जल्दी से फ्राइड राइस अगर बन जाते हैं, तो मेरे को तो लगा था वो नीचे बना रहे हैं। अब पता चला है काकू सारा सामान यहाँ उठा के लेके आया ताकि फ्राइड राइस यहाँ पे बना सके। आपको पता है काकू, मैं मिरर पीछे वाली वॉल और आप सब एक फ्रेम में आ रहे हैं। तो आज फर्स्ट टाइम काकू यहाँ पे कुछ बना रहा है, ये हुआ है हमारा फर्स्ट टाइम चॉपिंग बोर्ड यूज। दिखाओ दिखाओ, थोड़ा सा तो दिखा दो। प्याज काटने में यूज हुआ है। और यहाँ पे हमारा इंडक्शन, इस पे हमने ना नॉन स्टिक पैन रखा था, जो दूसरा वाला जो बिल्कुल फ्लैट वाला था वो नॉन स्टिक पैन काम ही नहीं कर रहा था, क्योंकि उसका जो बेस है वो एल्यूमिनियम का होगा, और एल्यूमिनियम नहीं पूरा पैन ही एल्यूमिनियम का था पूरा। हाँ मतलब मेन बेस चाहिए होता है ना, तो वो एल्यूमिनियम का था, इस वजह से इस पे मना किया। एल्यूमिनियम या आयरन भी नहीं होगा ना इस पे, आयरन हो जाएगा, एल्यूमिनियम नहीं होगा। तो अभी ग्लास नहीं होगा, एल्यूमिनियम नहीं होगा, और एक दो सिरेमिक वगैरह और दो तीन चीजें, मतलब स्टील हो जाएगा। तो अभी स्टील का जो पैन था ना, मेरा महंगा वाला पैन में लेके आया, फिर उठा के दिखाती हूँ। ये वो हनीकॉम वाला पैन है, ये बहुत महंगा था, कितने हजार का था ये बहुत महंगा पैन है। तो ये फिर काकू ने यहाँ पे रखा, और बाकी भी सारा सामान उठा के ले आया, टमाटर प्याज और ये सब। अब यहाँ पे बन रहा है फ्राइड राइस, और मेरा खाना रखा है वहाँ पे दाल रोटी। ओए से हेलो, हेलो। ब्रश नहीं करता तू, ब्रश नहीं करता, इतना सारा कूड़ा पड़ा तेरे दांत में, कीड़े लग जाएंगे, कीड़े ब्रश कर लिया कर। अरे भगवान, कैसे बच्चे हो गए आजकल, कैसे जीभ दिखा रहे हैं मेरे को, सही बात बोल रहे बेबी। बताओ अभी तेरे को, बताओ अभी तेरे को, बताओ बताओ क्या बताओगे, चांद के बारे में बताओगे, तारों के बारे में बताओगे। तो चलो मैं एक बारी खाना खा लेती हूँ, और मेरी आंखें ऐसे ऐसे हो रही है क्योंकि काकू यहाँ पे प्याज काट रहा है। मैं अरे काकू अनियन अनियन हो गए। मैं जस्ट अभी ना यहाँ पे खाना खाने बैठी थी, और मेरी दाल ठंडी हो गई, तो मैंने सोचा कि चलो गर्म कर लेते हैं। तो फिर हमने ना इस पे दाल की कटोरी रखी गर्म करने के लिए, ये कटोरी, लेकिन ये ना गर्म नहीं हुई, क्योंकि ना बड़ा सरफेस चाहिए इंडक्शन पे रखने के लिए। हम भी धीरे धीरे सीख रहे हैं इसे बनाना। तो काकू ने क्या किया, अपने पैन में ना ये सारा सामान डाल दिया, टमाटर प्याज मिर्च विर्च ये सब, और फिर उसमें काकू दाल डाल देगा। तो काकू मेरे लिए दाल फ्राई बना रहा है। थैंक यू काकू, आंखें नहीं खुल रही भाई, अरे वो तो अच्छा है यहाँ पे खिड़की है काकू पास में, पता अरे मेरे से नहीं रुका जा रहा। पता हम पहली बार ही किचन में यहाँ पे कुछ बना रहे हैं, तो हमें भी आइडिया नहीं है कि कैसा सब बनेगा, नहीं बनेगा, धुआं उठना, और ये जो आंखों में लग रहा है अनियन वगैरह, मेरी तो आंखों में जलन हो रही है, अरे मसाले वसाले हो गए सारे में। देखो काकू यहाँ पे बना रहा है, और वो खिड़की खुली है, ये वाली अभी जस्ट बंद की है क्योंकि एसी भी चल रहा है। और काकू ने डाल दी इसमें दाल, और अब मेरी बन जाएगी टेस्टी सी दाल फ्राई, फिर मैं खाना खाऊंगी। थैंक यू काकू, थैंक यू। काकू की बनाई हुई दाल फ्राई हो गई है रेडी। ऐसे ही फोन रख दिया मैंने साइड में। गो मॉम, टेस्टी है वो दाल तो बनी हुई थी, लेकिन उसमें जो ऊपर से
टमाटर प्याज वो सब डाले ना, वो थोड़े जूसी जूसी से आ रहे, बिल्कुल पके पके नहीं, जूसी जूसी आ रहे, बहुत टेस्ट है। काकू को भी खिलाते हैं। अब आप भी बताओ कैसे लगे। बढ़िया ना। काकू ने ना फ्राइड राइस बना दिए, और शूट हमने इसलिए नहीं किया क्योंकि हमने निक्स किचन वाली आईडी के लिए शॉर्ट वीडियो के लिए शूट किया था। इस फ्रेम में मैं आपको फ्राइड राइस दिखाती हूँ, बहुत टेस्टी है। फ्राइड राइस थोड़े से खिचड़ी बन गए हैं क्योंकि फ्राइड राइस के अंदर चावल कम थे और यहाँ पे ग्रेवी ज्यादा हो गई थी। कोई बात नहीं, क्या हो गया, फर्स्ट टाइम इंडक्शन यूज किया हमने, जल गए तो देखो ये क्या हो गया। कोई नहीं, आपने इतनी मेहनत किया, अप्रिशिएट योर मेहनत। काकू मैंने आपके लिए इतनी देर से मेहनत करके फाइनली फ्राइड राइस बना दिए हैं, ये लो। आपने आप नहीं बनाए, मैंने नहीं बनाए, आपने आप नहीं बनाए, मैंने भाई। काकू ने ना बहुत देर से लग के बहुत मेहनत करके ये फ्राइड राइस बनाए हैं, फर्स्ट टाइम हमारी किचन में कुछ बना है। खा के बताओ आपको कैसे लगे। लो 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 के बताओ कैसे लगे आपको। मेरे इन हाथों का चमत्कार कैसा लगा। बहुत अच्छा, दोनों बाउल मैं ही खाऊंगा। सॉरी मैं भी खा लेता हूँ, गिरता भी। मैंने काकू को बोला कि मैंने कहा मुंह धो लो जाके एक बारी, तो पता है क्या कहता, कहता नहीं ऐसे ही रहने दो, गंदा मुंह आएगा तो दिखेगा, तो कम से कम मेहनत की थी। फिर मैंने भी सारी लाइटें जला दी और साफ ही आ रहा है मुंह वैसे भी। तो चलो यार, थोड़ी देर में आपसे मिलते हैं खाना खा के। बाय द वे मम्मी ने अभी बताया कि मौसा जी भी आने वाले हैं पापा के साथ, तो थोड़े से चावल बचे हैं, मौसा जी को भी टेस्ट कराएंगे। बाकी मम्मी ने शायद दही बल्ले वगैरह और राम लड्डू ये सब भी बनाए हैं। एक बार ये खा लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर बाद। बाय द वे हमने इसके लिए शूट भी किया, मैं जल्दी से वो वीडियो भी एडिट कर देती हूँ ताकि आप लोग जल्दी से देख पाओ। चावल वगैरह खा के ना हम वीडियो एडिटिंग का काम कर ही रहे थे, कुछ फोटोज वगैरह भी अपलोड की थी। इतने में मम्मी आई और उन्होंने ये राम लड्डू टेस्टी टेस्टी हमें दिए। तो जस्ट अभी मम्मी बोल के गई है कि मौसा जी आ गए, अपना रूम थोड़ा सेट कर लो, क्योंकि मौसा जी भी स्पेशली यहाँ पे रूम देखने भी आए हैं। मौसा जी ने बोला था कि भाई आज अपना अपना रूम जरूर दिखाना, स्टूडियो का रूम है, ये स्टूडियो का रूम है, हमारा नहीं है। अजीब अजीब कुछ भी बोलते, रूम अलग होता है, स्टूडियो अलग होता है। तो अभी यहाँ पे हमने चेयर वगैरह सेट, आपके कपड़े देखो, कपड़े पड़े हैं वहाँ पे। अच्छा अच्छा, अंदर नहीं है बाथरूम में, वहाँ टांग दो ये कपड़े, यहाँ पे पड़े हुए अच्छे लग रहे हैं। और मेरे को बोल रहे हैं गद्दा अच्छा खासा बिछा हुआ, उधर खिसका लो उधर खिसका लो, और अपने कपड़े नहीं उठा रहे हो। अच्छा, वेरी गुड। ए फ्यू मिनट्स लेटर मौसा जी जस्ट अभी आए हैं। कल तो हमने निकली हुई और हमारे लिए स्टूडियो के लिए मिठाई लेके आई, पहले की कौन सी बहुत ताश वाली वीडियो। अच्छा, दिखाओ क्या है इसमें। हां कल मैं भी देख रहा था। और रे कल उड़ के गई ऐसे ऐसे रोल होके ये। अरे क्या हो गया, थैंक यू सारी ये लो। अरे खा रहे हो, खा रहे हो ना, आप तो खा रहे हो ना। करके दिखाइयो, करके दिखाइयो, आप लो आप लो आप लो आप लो आप लो आप लो आप लो, एक्टिंग करके दिखा रहे हैं। खाओ खाओ, मम्मी को दो। कैसी लगी। रोबोटिक एक्सेंट, रोबोट मोड ऑन आ गया, थैंक यू। क्या थ्री आवर्स लेटर लास्ट क्लिप में आपने देखा कि मौसा जी आए हुए, हम सब स्वीट्स खा रहे हैं, दीदी भी आ गई थी उसी टाइम पे, तो यही सब हुआ पूरे टाइम। अभी भी मौसा जी, पापा, कीशु सब अंदर बैठे हुए बातें कर रहे हैं, दीदी नीचे चली गई थी, मम्मी खाना बना रही थी वो देखने, और हम भी पूरे टाइम से सिर्फ बातें कर रहे थे। अब बोलो, इसलिए अभी हमारे पास और कुछ है नहीं दिखाने को, क्योंकि मेरे को मोटू को घर पे छोड़ के आना है। तो आज टाइम हो गया, 8 बज गए हैं, 8:15 के आसपास टाइम हो गया, क्योंकि पूरे टाइम बातों में निकल गया। स्टूडियो में कभी ये दिखा रहे, कभी वो दिखा रहे, कभी उनकी कोई बात बता रहे। अभी किशु वहाँ पे 1.5 महीना रुक के आया ना, तो किशु की सारी बातें बता रहे कि ऐसे हुआ वैसे हुआ, ऐसे गप्पे वप्पे मार रहे थे, तो वो थोड़ा फैमिली टाइम था, इस वजह से फिर उसको व्लॉग में शूट नहीं किया हमने।
मौसी हमने आपको मिस किया, नेक्स्ट टाइम आप भी पक्का पक्का आना, कर्णव काव्या को भी लेके आना। कर्णव तो कह रहा था, कह रहा आप है ना भैया, कहता बस अगली बार आऊंगा ना आपके बाथरूम में नहा के जाऊंगा। हाँ, अभी अभी बोलता उसको ना, कहता मेरे को स्टूडियो दिखाओ पूरा, तो वीडियो कॉल पे दिखाया, फिर कहता कि अगली बार आऊंगा ना मैं आपके बाथरूम में नहा के जाऊंगा फिर। तो सबको बाथरूम अच्छा लगा, ऑडियंस का भी हमें काफी अच्छा फीडबैक मिला कि आप सबका, सब्सक्राइबर्स का, अच्छा है स्टूडियो। चलो और लेट नहीं करते, ब्लॉग को करते हैं एंड, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए सी यू, टाटा बाय बाय।